आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि फेसबुक ग्रुप में टैग को कैसे ऐड और चेंज करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फेसबुक पर खुद का ग्रुप बनाए हुए हैं या क्रिएट किए हुए हैं, या आप किसी दूसरे ग्रुप में एडमिन या मॉडरेटर है, या किसी भी ग्रुप को पब्लिक किया गया है, तभी आप उस ग्रुप में टैग को ऐड और चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप में टैग को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर फेसबुक पर जो भी चीज़ सर्च किया जाता है, जिस चीज़ से रिलेटेड आप टैग डाले हुए हैं, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ फेसबुक पर अगर सर्च किया जाता है, तो वहाँ पर आपका ग्रुप वहाँ पर सर्च में आता है और वहाँ पर लोग आपको ग्रुप को ओपन करके वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, और आपके ग्रुप में मेंबर की जनसंख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में टैग को ऐड करने के लिए या चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एक ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको फिर से एक योर ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स यू मैनेज के नीचे, यहाँ पर जो खुद का ग्रुप बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, वो ग्रुप शो करेगा। और अदर ग्रुप्स के नीचे जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हुए होंगे, जितने भी आप ग्रुप में ज्वाइन हुए होंगे, वो सारे ग्रुप शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको जिस भी ग्रुप में टैग को ऐड और चेंज कर लेना करना है, उस ग्रुप को आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम खुद का जो ग्रुप बनाए हुए हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक स्टार का आइकॉन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप सेटिंग्स पे चला जाना है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक टैग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे फेसबुक ग्रुप में एक भी टैग ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर टैग ऐड करने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद आपको चेंज करने के लिए। तो चलिए हम अपने फेसबुक ग्रुप में पहले टैग चेंज ऐड करके बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्पोर्ट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम स्पोर्ट्स लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा यहाँ पर सजेस्ट करने लगेगा। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम ए वाले जो सर्च में आ रहा है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर और हम कुछ ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम जॉब ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम जो भी यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है जोहन के ना, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले रहे हैं, आपको जो भी यहाँ पर लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जितना भी लिख सकते हैं आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपका टैग सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम डो टैग ऐड किए थे, यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक फिर से आपको टैग पे क्लिक कर लेना होगा, और यहाँ पर आप जो भी टैग डाले हुए हैं इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। तो चलिए हम बैक बटन दबा के यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नया टैग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्कूल हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पर स्कूल से जुड़ी जो भी चीज़ होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको जो भी यहाँ पर लिखना हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जो भी चीज़ यहाँ पर सर्च करें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो आप इसी तरह से आप भी अपने फेसबुक ग्रुप में टैग को ऐड और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दूसरा टैग ले ली है। उसके बाद जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा टैग चेंज हो जाएगा। तो आप भी अपने फेसबुक ग्रुप में इसी तरह से टैग को ऐड और चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो फिर नए वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।